हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज़ और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पे कब तक रिलीज़ की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण सी कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज़ बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद, वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में, तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में, तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की Y. सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि उसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है, दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा अडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए थे। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वो इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगाडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वैसे निराशाजनक कराया। कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं। वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताब फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंतुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया। कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टागोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं। वही भवानी नाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वो इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. Kalyan द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं। वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। मदरा में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और नवंबर 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर। पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि उसे निराशाजनक कराया। कहा कि एक गैर मौजूद कथानक खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा संगीत डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं। वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागी नायडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और नवंबर 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए थे। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद, वीरेंद्रनाथ टागोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनी डू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और नवंबर 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रीज और तार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानी नाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागी नीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि उसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण सी कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज़ बैनर के तहत किया गया है और के एस रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वैसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है निर्देशक के एस रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण सी कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और के एस रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानी नाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागी नीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक के एस रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि वलय्यान अपने फ्रेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक के एस रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण सी कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज़ बैनर के तहत किया गया है और के एस रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी ओलिका की अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक के एस रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक के एस रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण सी कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और के एस रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनी डू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। मदरा में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वैसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C K एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद, वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा अडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की Y. सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरता पूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वो इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वहीं देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानी नाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। मदरा में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगाडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने फिर वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्र नाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए थे। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं। वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनी डू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागी नीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। मदरा में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और नवंबर 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर। पहला एकल गीत अडुगा अडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंतुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया। कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं। वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागी नीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। मदरा में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए थे। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि उसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं। प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं। वही देविका सद्या संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद, वीरेंद्रनाथ टागोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और नवंबर 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और तार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानी नाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागी नीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा CK एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज़ बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि उसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण सी कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और के एस रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानी नाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और नवंबर 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा अडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि उदाहरणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पेश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक के एस रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण सी कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और के एस रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानी नाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगाडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वैसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा, आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक के. एस. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक के. एस. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण सी. कल्याण द्वारा सी के एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K.S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वहीं देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनी डू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। मदरा में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई. सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए थे। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि उसे निराशाजनक कराया। कहा कि एक गैरमौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C K एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और नवंबर 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा अडुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की Y. सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरता पूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वो इसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकिया तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से, पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर, पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स यूडा पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंटुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वैसे निराशाजनक कराया, कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है, जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। रूलर एक 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण C. कल्याण द्वारा C. K. एंटरटेनमेंट और हैप्पी मूवीज बैनर के तहत किया गया है और K. S. रवि कुमार द्वारा निर्देशित है। चिरंतन भट्ट द्वारा रचित संगीत इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। वही बात करें फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से पुरानी कहानी और पटकथा, संगीत, डबल एंट्रेस और अतार्किक दृश्यों के लिए नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो नंदमुरी बालकृष्ण धर्म अर्जुन प्रसाद के रूप में हैं, प्रकाश राज वीरेंद्र नाथ टैगोर के रूप में हैं, वही देविका संध्या के रूप में हैं और हारिका के रूप में सोनल चौहान और भूमिका चावला, निरंजना प्रसाद वीरेंद्र नाथ टैगोर की बेटी के रूप में हमें दिखाई देंगे। जय सुधा सरोजिनी नायडू के रूप में हैं, वही भवानीनाथ टैगोर के रूप में शताफ फिगार और सयाजी शिंदे दुर्गा प्रसाद के रूप में हमें दिखाई देंगे। वही सीताराम मैयाम के रूप में नागिनीडू हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में बैंकॉक में शुरू हुई थी। दूसरा शेड्यूल अक्टूबर 2019 में रामोजी फिल्म सिटी में पूरा किया गया था। 15 में नवंबर में बालकृष्ण और देविका पर एक राग गीत फिल्माया गया था। वही बात करें मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो संगीत चिरंतन भट्ट ने तैयार किया था। मूवीज आदित्य म्यूजिक कंपनी ने रिलीज़ किया है। वही बात करें मूवी के रिलीज़ के बारे में तो फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और 21 नवंबर 2019 को पहला लुक टीजर और 8 दिसंबर 2019 को ट्रेलर। पहला एकल गीत अडुगा डुगो एक्शन हीरो 1 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तदनुसार 14 दिसंबर 2019 को MGM ग्राउंड्स, यूडाम पार्क विशाखापट्टनम में प्री रिलीज इवेंट आयोजित किया गया था। वही बात करें मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस के बारे में तो शासक को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। द हिंदू की वाई सुनीता चौधरी ने कहा कि फिल्म पूरी तरह से प्रशंसकों के लिए थी। बालकृष्ण के प्रशंसक उन्हें किसी भी रूप से पसंद करेंगे और वास्तव में अलग देखने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। देविका वेदिका को बेहतर भूमिका निभाने के लिए लंबे समय के बाद रिटर्न देता है। नायक प्रत्येक स्तर पर ऊंचा हो जाता है और यह वीरतापूर्ण कारनामों की कहानी बन जाता है और कुछ नहीं। इसने जोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक सुहास एल्लापंतुला ने 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि वैसे निराशाजनक कराया। कहा कि एक गैर मौजूद कथानक, खराब चरित्र चित्रण और शौकीय तौर पर फिल्म निर्माण सुनिश्चित करता है कि यह फिल्म एक बड़ी चूक है। 123telugu.com ने फिर वही रेटिंग दी और लिखा कि अवधारणा पुराने स्कूल और अनावश्यक दृश्य है। दूसरा आधे को पूरी तरह से टाला जा सकता है। निर्देशक K. S. रवि कुमार अपनी पुरानी अवधारणाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ होने के कारण समय के ताने बाने में फंस गए हैं। हालांकि बलैया अपने पैश लुक से प्रभावित करते हैं। क्रोधित पुलिस वाले का लुक भयानक विग से बहुत कम होता है जो आम दर्शकों को निराश करता है। द हंस इंडिया के एक समीक्षक ने पुष्टि की कि फिल्म में एक उचित कहानी नहीं है। निर्देशक K. S. रवि कुमार ने इस फिल्म के लिए उसी व्यावसायिक सूत्रों का इस्तेमाल किया और यह तक की कहानी और पटकथा भी उतनी मनोरंजक नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इस तरह वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।